खबर यूपी के बलिया से है, जहां विकास खंड बैरिया के प्राथमिक विद्यालय हेमंतपुर दुर्जनपुर का एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां विद्यालय के बच्चों ने विद्यालय के प्रिंसिपल समेत सभी अध्यापकों को विद्यालय के कमरे बंद कर ताला लगा दिया। दरअसल बच्चों का आरोप है कि सरकार द्वारा कोरोना काल में सभी बच्चों को जो पैसा मिलना था वो अभी तक नहीं दिया गया, जिसकी कई बार शिकायत भी की गई थी। आश्वासन तो मिलता रहा, लेकिन लॉकडाउन के तहत मिलने वाले पैसे अभी तक उन्हें नहीं मिले, जिसे लेकर बच्चों द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। वहीं कमरे में बंद प्रभारी थाना अध्यापक जयप्रकाश यादव ने बताया कि बच्चों का चौथा चरण का जो पैसा नहीं गया है, इसी के लिए उन्होंने ताला बंद कर दिया है। वहीं विद्यालय के एक छात्र धीरज ने बताया कि वो लोगों को पैसा सर नहीं दे रहे हैं, यानी कि उन लोगों को पैसा प्रधानाध्यापक के द्वारा नहीं मिल पा रहा है। धीरज कुमार शर्मा। कहाँ पढ़ते हो? हम पॉजिटिव विद्यालय दुर्जन। कितने क्लास में? कक्षा आठवीं के छात्र हूँ। क्या हुआ है यहाँ पे? हम लोग का स्कूल में सर पैसा नहीं दे रहे, इसलिए प्रिंसिपल सर का ऑफिस में बंद कर दिया है। खाली प्रिंसिपल सर को बंद किया हो? उसी में सब सर है। अच्छा, तो क्या हुआ, पैसे के लिए आप लोग बात नहीं किया? कैसा पैसा है ये? कितने बार सर से हम लोग बोले तो वो लोग कह रहे हैं कि 2-3 महीने बाद ले लेंगे, तो आज कितने बार बोले तो वो कह रहे हैं। कैसा पैसा है ये? 2020 का लॉकडाउन का पैसा। तो कब खोलोगे आप लोग? जब वो पैसा देंगे, कोई अधिकारी आएगा तब खोलेंगे। जयप्रकाश यादव। कहाँ पे हैं आप? क्या नहीं प्रभारी प्रधानाध्यापक है, दुर्जन से। क्या हुआ है? अब बच्चे चौथा चरण का पैसा नहीं गया, उसी के लिए ऐसे कर रहे हैं। उसी के लिए कह रहे हैं कि पैसा नहीं गया, इसीलिए ताला बंद किया। तो कब, कितने देर से बंद किया? आधा घंटा हो गया। आपको अकेले बंद किया है या फिर? कोई सभी लोग। सभी लोग किस को संबंध? अरे अध्यापक लोग हैं। आपने कुछ अधिकारियों से क्या शिकायत कर रहे हैं?